वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के तारक मेहता उल्टा चश्मा के जो एक्टर है डॉक्टर हाथी, यानी कि कवि कुमार आजाद। जी हाँ, कवि कुमार आजाद का कल मुंबई के मीरा रोड के एक हॉस्पिटल में उनका सडनली निधन हो गया। निधन की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक अटैक आया था जिस अटैक का नाम था कार्डियो अरेस्ट अटैक। ये जो कार्डियो अरेस्ट अटैक इसलिए आता है जब इंसान का वजन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने जो हार्ट होता है उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए इंसान की मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद बात है कि उनका इस अटैक से उनका निधन हो चुका है। इस बात को लेकर पूरी टीवी इंडस्ट्री शॉक हो गई कि अचानक अब हमारे बीच में डॉक्टर हाथी नहीं रहे। कहा जाता है कि उन्हें प्रोड्यूसर से कहा था जो भी मेरा सीक्वेंस शूट है वो जल्दी से जल्दी शूट कर लेना। फिर अचानक उनका सुबह फोन आया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा शूट पे। तो तारक मेहता उल्टा का चश्मा के जितने सेट वाले थे उन्होंने अगला शूट चालू कर दिया। फिर अचानक से फोन आया कि वो सुने में नहीं रहे। ये बहुत दुखद बात है सबके लिए। टीवी इंडस्ट्री में डॉक्टर हाथी का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। इन्होंने हमें बहुत हंसाया है, बहुत एंटरटेनमेंट किया है। ये उनका सबसे अब तक का बहुत लंबा शो था। इन्होंने तारक मेहता उल्टा चश्मा की शुरुआत 2008 में की थी, बट अचानक इनका हमसे दूर जाना ये बहुत दुखद बात है। आइए देखते हैं इनके अंतिम यात्रा की कुछ फुटेज। तो देखा आपने वीडियो, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जिंदगी बस एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, उसे ऐश और हैप्पी रह के जीना चाहिए और इंसान को हमेशा फिट हेल्दी एंड एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि एक बार सभी को इस धरती से जाना ही है क्योंकि हम इस धरती पे कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक